नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के लिए। यहां पर लेकर आपके लिए 27 नवंबर के लिए एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर। मान लीजिए दोस्तों कि आज आपका 27 नवंबर है और अगर आपके सामने ये पेपर अगर आ जाता है तब कितने लोग सिलेक्शन ले पाओगे। तो आज का दिन भुला कर भी ना भूल पाओगे, कुछ ऐसे ही क्लास आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो मान लीजिए कि आज ही आपका पेपर है, आज है दिल्ली पुलिस का एग्जाम, तो कौन कौन करने वाला है यहाँ पर इसको बिल्कुल उड़ाने वाला है, कौन इस पेपर में आग लगा देगा, यहाँ पर धुआं धुआं कर देगा, गर्दा गर्दा कर देगा, यहाँ पर आग लगा देगा, नारियल तोड़ फोड़ कर उड़ा देगा। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के इस क्वेश्चन पेपर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो अगर ये क्लास आपको आए पसंद तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और शेयर। तो मिलते हैं आप लोगों से आप लोग के पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा आज का रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, धुआं धुआं कर दो, प्रदूषण फैला दो, आग लगा दो, तो अगला क्या होगा इसको बताइए। तो पहला क्वेश्चन धुएंदार आग लगा देना इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन धुएंदार आग लेकर आए साथ में। देखिए सबसे पहले तो धुएं से क्या होता है, देखिए धुआं फैलाने से क्या होगा, प्रदूषण होगा, ठीक है। देखिए धुआं फैलाओगे तो प्रदूषण होगा, और आग आग क्या करती है, आग जलाकर राख कर देती है। तो आग दोस्तों क्या करती है, आग जलाकर राख कर देती है। तो पहला क्वेश्चन था धुएंदार। अब पढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोर, जी एल ओ आर, इसको लिखते हैं एफ जे एल एन, तो टी डब्ल्यू क्यू के, इसका क्या होगा इसको आप लोग यहां पर बताइए। देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो लॉजिक आपका क्या है, देखिए जी एल ओ आर, ठीक है ना, और आपको क्या दिया गया एफ जे एल एन, लॉजिक पता है दोस्तों, लॉजिक क्या है, एफ जी, ठीक है, जी एफ दे रखा है आपको, तो जी एफ का हो जाएगा हमारा माइनस वन चल रहा है, यहां पर माइनस टू चल रहा है, यहां पर आपका माइनस तीन है, यहां पर आपका माइनस का चार है। तो ये था लॉजिक हमारा, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। अब आप लोग उसको बताइए टी डब्ल्यू क्यू के, क्यों के। तो दोस्तों टी डब्ल्यू क्यू के, तो इसका भी क्या करेंगे, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, तो क्या होगा, देखिए टी से आपका क्या आएगा, एक स्टेप पीछे जाइए आप लोग, एस टी, ओके, यू वी डब्ल्यू, यू आ जाएगा, एन ओ पी क्यू, तो दोस्तों हमारा एन आ जाएगा, सुन जी। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है संग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एस यू एन जी। तो दोस्तों अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है ऑप्शन ए तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। चलिए यस, कमिन कमिन, आ जाओ, आज आपका ही वेट हो रहा है क्लास में, तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए दोस्तों, टुसी लोग कितने रह गए यहाँ पर, फटाफट से आ जाइए दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का एक अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार रहने वाला है, 8512, ठीक है ना, तो 8512 तो 6 से क्या होगा बताइए दोस्तों, यहाँ पर 9 2 11, तो क्या होगा आपका राइट आंसर, फटाफट से बताएंगे दोस्तों, बहुत ही आज का सेशन इंटरेस्टिंग और मजेदार रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग, शेयर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और उड़ा दीजिए, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, क्या क्या करना पड़ता है मुझे आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुनते ही नहीं हो मेरी। देखिए अब आपको बताते हैं यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए क्या हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, हम भी आप लोगों को बहुत मिस करेंगे। देखिए दोस्तों 6 का हो जाएगा 216। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, चलिए ट्राई कीजिए, त्वचा, फेफड़े, हृदय और आपका गुर्दे। तो इनमें पता है दोस्तों सबसे अलग क्या है, देखिए आपके जो फेफड़े होते हैं, आपका जो दिल है, हृदय है प्यारा सा, जो गुर्दे हैं, किडनी है, ठीक है ना, एक किडनी पर इंसान जिंदा रह सकता है, तो ये तो तीनों आपके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो स्किन है ये बाहरी आवरण है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, स्किन यानी कि त्वचा हो जाएगा, बाकी सब हमारे अंदर के पार्ट हैं और ये बाहर का है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से, फटाफट दोस्तों यहां पर जी जे एम पी एस बी एम पी आर के एन क्यू, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका लॉजिक क्या है, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस, ओके ना, तो प्लस तीन के एल एम, ठीक ना, तो
तो के वाले में भी प्लस तीन चल रहा है, लेकिन एम पी आर में अगर आप लोग देखेंगे तो आपका कैसे हो जाएगा, यहां पर है प्लस तीन प्लस दो, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके चलिए दोस्तों, एक बात आपने समझ नहीं पाई आप लोग मेरी, ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, पता आपको 8 का क्यूब होता है 512, बताओ ये भी आप लोग हमसे पूछेंगे तो कैसे चलेगा 8 का क्यूब, अरे 512, तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब आपका हो जाएगा 216, क्या होगा 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। सर 216 कैसे होगा बता दीजिए प्लीज, तो मैंने बता दिया आपको, क्यूब करना है आपको सिर्फ, क्यूब करेंगे 512 हो जाएगा, ऐसे 6 का क्यूब करेंगे तो 206 × 6 × 6 उड़ा डालो इसको। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 से आपका 44, 12 से आपका 72, 13 से आपका 52 और 14 से आपका 48, चलिए बताइए डॉक्टर साहब इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब, चलिए बताइए आप। 11 चौक 44, 12 छंग 72, ठीक है ना, 13 चौक 52 और 14 दोस्तों चौक 48, सही ना, गड़बड़ हो गई कहीं पर। तो दोस्तों 11th क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो दोस्तों 14 और 48 मेरा ये नहीं बन पा रहा है, तो बाकी दोस्तों में क्या चल रहा है, देखिए दोस्तों 14 और 48 मेरा काम नहीं कर रहा है, बाकी सभी युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या की गुणज है, बाकी में दोस्तों क्या हो रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या की गुणज है, तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है डी होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। यहां पर आपका ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, लेकिन ये किसी का भी मल्टीपल आपको नहीं दिया गया है, तो इसलिए आपका जो विशेष तौर पर जो सही जवाब हो रहा है ना ये डी वाला होगा आपका, डी वाला, समझ में आ गया आपको, बी वाला सही है। पता है क्यों सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पर कि सभी संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहला का गुणज है, ठीक है। चलिए हेलो हेलो हेलो, चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए। देखिए अब अगला क्वेश्चन T2G, बताइए GD, DI, AP और आपको दिया गया XY, तो अगला स्टेप क्या होगा। हाँ मैं डेली क्लास आपको करवाता हूँ प्रोवाइड, सुबह 9 बजे के बाद से लेकर रात में 9-10 बजे तक क्लास चलती है हर समय, बस आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो GD, DI, AP, XY अगला स्टेप क्या होगा इसको आप लोग बताइए। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो लॉजिक क्या आपका, जी से आप लोग माइनस का 3 स्टेप पीछे जाएंगे तो आपका डी आ जाएगा, डी से माइनस का 3 स्टेप पीछे जाएंगे तो आपका ए आ जाएगा, माइनस का 3 स्टेप पीछे जाएंगे तो आपका एक्स आ जाएगा, माइनस का 3 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, अब आपका यू आ जाएगा। तो अगला वाला आपका यहां पर यू आ जाएगा, जी से डी, डी से ए, ए से एक्स और एक्स से आपका यू हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहां क्या चल रहा है आपका, डी से आई, डी से आपका 5 स्टेप बाद आपका आई आ रहा है, ठीक है ना, 5 स्टेप बाद आपका आई आ गया, 7 स्टेप बाद आपका पी आ गया, पी प्लस का 9 स्टेप बाद आपका यहां पर वाई आ गया, तो 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, तो 11 स्टेप बाद क्या हो जाएगा आपका यहां पर जे आ जाएगा, यूजे। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है यूजे बिल्कुल होगा राइट आंसर, सुसे तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है यूजे बिल्कुल राइट होगा। लॉजिक देखिए क्या है, पहले में आपका लॉजिक चल रहा है माइनस तीन, और सेकंड वाले टर्म में जो आपका लॉजिक चल रहा है, सर आप इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा ठीक है ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिए 5, 7, 9 और 11। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए ट्राई कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो जो भी आप लोग आज भी मैं जो पेपर लेकर आया हूं ये भी आपका जो है SSC CAPF दिल्ली पुलिस SI का पेपर है जो मैं करवा रहा हूं। चलिए दोस्तों देखिए 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, आगे अगर आएगा तो 12, 13 आएगा, ऐसे देखिए हमारा 1, 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25, तो अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है ना। देखिए अब आपको बताते हैं यहां से आपका सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए, अच्छा ये आपको कर चाहते हो, ठीक है सर थोड़ा सा कम बोलिए, ठीक है तो मैं बिल्कुल जैसा देखिए आप लोग चाहेंगे मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा,
आप लोग कहोगे बिल्कुल खुशी के साथ पढ़ाओ, मैं बिल्कुल, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी क्लास कब हो जाएगी, और आप कहोगे बिल्कुल सीरियसली पढ़ाओ तो मैं बिल्कुल आपको सीरियसली पढ़ाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों यहाँ पर कि सीधे सीधे मैं आपको यहाँ पर जवाब दूंगा। देखिए क्या चल रहा है आपका, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, तो यहाँ पर छह का स्क्वायर क्या होगा, 36 हो जाएगा इसका सही जवाब। तो जिनका भी आंसर 36 आ रहा बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए आपका सही जवाब क्या होगा, ध्यान दीजिए, डेलिबरेट। तो दोस्तों कौन सा शब्द का, इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा अक्षर नहीं बन सकता, 23 बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे 23 क्वेश्चन का, तो इसमें क्या याद रखा है आपको, जिनका भी आंसर यहां पर आ रहा है सी वाला, क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई, भाई आपका दोस्तों इसमें भाई नहीं है, तो इसमें आपका भाई नहीं है, तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके धन्यवाद आपका बताने के लिए। चलिए दोस्तों अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए माइनस का मतलब है डिवाइड, प्लस का मतलब आपका क्या दिया गया है, घटाव, घटाव का मतलब क्या होता है, माइनस करना, मल्टीप्लाई का मतलब जोड़ना, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई करना, खेल खत्म। देखिए आपको दिया गया चार, अब डिवाइड दे रखा है, डिवाइड 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 दिखाओ, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई करना, 16 लिख दिया, मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस करना, प्लस का 5 लिख लिया, प्लस प्लस प्लस, प्लस का मतलब घटाव, माइनस कर दिया हमें, ठीक है ना, माइनस का 4, और माइनस का मतलब डिवाइड करना, डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले डिवाइड करते हैं, बी ओ डी एम ए एस, पहले ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। देखिए तो दो दुनी चार, आपका दो बचा है यहां पर, इधर कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 2, सही लिखा मैंने, कुछ गलत तो नहीं किया, कहीं गलती हो जाए तो बता दीजिएगा। तो 27 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपको दिया गया 64 प्लस का 5 माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, तो 27 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, देखिए 67, तो मेरा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 67 यानी कि ऑप्शन डी होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, वेरी गुड साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, अब दोस्तों देखते हैं हमारा कौन बताएगा इसका सही जवाब, सबसे पहले वो भी 27, 4, 77, दोस्तों 27 और 4 आपका 77 है, 31 और 9 आपका 239 है, ठीक है ना, और आपको बताना है कि 21 और 6 आपका क्या होगा, क्या हुआ दोस्तों, कितने निकल गए आप लोग, ध्यान से पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं हर दम, बस इस बार कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है आपको, इसलिए मैं सारी क्लास भी करा रहा हूँ और मैं प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक कंप्लीट पेपर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि आपकी तैयारी नहीं हो रही है। देखिए अब इसको 27 और ये 4 है, 77 कैसे आ रहा है, आखिर इसमें क्या लॉजिक लगाया जा रहा है, सोचिए, 27 इसकी मल्टीप्लाई 4 से कीजिए आप लोग, ठीक है ना, 27 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे यहां से आ जाएगा 108 हो जाएगा, अभी भी 77 लाना है, 27 और 4 को जोड़िए आप लोग, 27 और 4 को जरा जोड़कर देखिए तो कितना आ गया आपका, 31 आ गया, इन दोनों को घटाकर देखिए आप लोग, 8 में से 1 गया 7, 10 में से 3 गया 7, 77 आ गया। तो दोस्तों लॉजिक की अगर हम बात करेंगे, लॉजिक क्या आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को जोड़िए और इसका मल्टीपल और इसका एडिशन, इन दोनों का डिफरेंस आपका आंसर होगा। तो आपको दिया गया पर 21 और 6, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, 21 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 की 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस करना है 21 में 6 जोड़कर, ठीक है ना, तो 21 छक 6 कम 6 छतरी मारा 126 हो जाएगा, माइनस 21 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, मतलब साफ है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 99, 99। तो दोस्तों जिनका भी आंसर 99 आ रहा है, बहुत ही खतरनाक लॉजिक था, समझ रहे हो दोस्तों कितना इसमें लॉजिक लगाया, डबल लॉजिक लगाया आपका, एक तरफ मल्टीप्लाई करना है, एक तरफ एडिशन करना है और फिर उनका डिफरेंस निकालना है आपको, ये था लॉजिक। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को बताइए, और आपके ऑप्शन है अगले पन्ने पर, लग रहा है वो पेज आपका आया नहीं,
देखिए दोस्तों 31 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपके ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, आपके ऑप्शन दिए गए 13 है, ठीक है ना, 29 है, 27 है और आपका यहाँ पर 35 दिया गया है। तो ये आपके चार ऑप्शन है यहाँ पर, आपके ऑप्शन है 13, 29, 27 और 35। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे आप लोग, क्या है लॉजिक, 1, 4, 2 और ये आ गया 13। अच्छा गलत बात, ठीक है। तो 1 × 4 × 2 जरा कितना देखो कितना आ रहा है, 4 × 2 = 8, 1 = 8, 8 आ गया, 8 में मैंने 5 जोड़ा, 8 × 5 = 13 हो गया। अब 3, 6, 5 इसको जोड़ लीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई कर ले, 3, 6 × 5, 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 90, 90 में 5 जोड़िए आपका 95 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको देखिए आप लोग, 2, 4, 3, तो 2, 4 और 3 के मल्टीप्लाई कर ले रहे यहां पर, 4 × 3 = 12, 2 × 2 = 24, 24 आ गया, 24 में 5 जोड़ दीजिए आप लोग, तो 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वाला होगा आपका 29। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर 29 आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा आप लोग मिलकर सभी लोग, ओके। तो बस इस बार दोस्तों क्लास को इतना सपोर्ट कीजिए मिलकर, ताकि हम भी जो है आपको फ्रंट में आके पढ़ा सके, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके और आपको भी समझ में आ सके किसी भी बिना किसी टेंशन के। अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तो प्रीवियस पेपर मैंने कराए हैं ना आपको, अब आपको मैं कैसे भरोसा दिलाऊं ये बताइए। मैंने प्रीवियस ईयर की पूरी किताब खत्म करा दी है, ठीक है, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन देखे मैंने, तो मैं उसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले, तो मैं उसी टॉपिक के टॉपिक बाई टॉपिक में एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ बस, और मैं आपको प्रमाण नहीं दे सकता, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा क्या आपको जान लेनी है मेरी, तो आप बता दीजिए जॉब लेना है जान लेना, जॉब लेना है ना, तो बस आराम से पढ़ते रहिए। दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों आपको यहां पर क्या बताना है, दी गई आकृति में जो है कितने ट्रायंगल हैं? पूछिए दोस्तों पूछिए, क्या क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए इसमें कितने होते हैं आपके ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, तो 3 ट्रायंगल आपके इसमें हो गए, ठीक है ना, 3 ट्रायंगल आपके इसमें है और 3 ट्रायंगल आपके इसमें है, तो 3 × 3 = 9 ट्रायंगल, तो ये हो गए 9 ट्रायंगल, तो आपके ये हो गए। अब एक ट्रायंगल दोस्तों ये अंदर बनना ये वाला, और एक आपका बड़ा वाला ट्रायंगल बनना ये, 2 ट्रायंगल ये हो गए, तो 9 × 2 = 11। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 9 × 2 = 11 हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर 11 आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए। चलिए मेरे प्यारे मित्रों इसको आपको बता दें यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको बताइए। नीचे एक घन की आपको 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तो स्टार के युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? आज मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आज मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, ताकि थोड़ा सा सवाल आपको मुश्किल लगे, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो दोस्तों, अगर आप कामयाब हो तो मैं कामयाब हूं, आपकी कामयाबी में ही मेरी कामयाबी है और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज आप लोग खुश रहिए, क्योंकि आपको खुश देखकर मैं हमेशा खुश रहता हूं, मेरा दिल खुश रहता है और फिर मेरा पढ़ाने में मन लगता है, बस यही सच्चाई है, इसके अलावा कुछ सच्चाई नहीं है। देखिए अब आपको बताते हैं यहां से आपको क्या दिया गया, देखिए यहां पर आपका ये है, यहां पर आपका ये है, और हमें इसके विपरीत बताना है, या तो क्लॉकवाइज चलिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है ना। तो मैं चल रहा हूं यहां पर आपका एंटी क्लॉकवाइज, इससे इस पर आया फिर इससे इस पर गया, तो स्टार पर आया, स्टार के बाद हम एरो पर गए और एरो के बराबर पर गए, इसमें भी मैं कैसे चलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज, स्टार से परसेंट, परसेंट से प्लस, तो स्टार से परसेंट और परसेंट से हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो इसकी अपोजिट मेरा ये हो गया, इसकी अपोजिट मेरा ये हो गया, अब बचा क्या दोस्तों, मेरा परसेंट हो गया, हो गया, एरो लग गया, लग गया, बचा क्या, एंड बच रहा है, तो एंड नहीं आ रहा है, तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, इस जगह मेरा पर एंड आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहां पर एंड आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, एंड वाला आपका सिंबल आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब ले चलता हूं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग यहां पर बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर ऐसे जेल पेन जो नीले नहीं है इसको दर्शाता है,
सोचिए और बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है ये, ऐसे जेल पेन, वो आपका जेल भी है और पेन भी है, जेल पेन जो नीले नहीं है, लेकिन वो नीला नहीं है, वो पेन भी है जेल भी लेकिन नीला नहीं है, तो नीले वाले को हम साइड में हटा देंगे। तो मैंने क्या किया, नीले वाले की बत्ती गुल कर दी, तो इसको मैंने हटा दिया, भगा दिया। अब मेरा कॉमन क्या बता, सी। अब सी मेरा दोस्तों ट्रायंगल में भी है, ट्रायंगल का मतलब होगा जेल, और सर्किल में भी आ रहा है मतलब पेन, तो सी एकमात्र ऐसा करेक्टर है जो आपका जेल भी है आपका पेन भी है लेकिन नीला नहीं है। काला चलेगा, नीला नहीं चलेगा, कोई और चलेगा। अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग यहां पर बताइए। नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल, ये हुई ना बात दोस्तों, ऐसे ही पढ़ना चाहिए आपको, तो मैं जो पूछ रहा हूं आपके जवाब आने चाहिए। एक पेपर लिया, इसको मैंने इधर से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड मारा, फिर मैंने इसको फोल्ड किया और फिर लगाया कट, ये लगाया मैंने यहां पर कट। तो जब ये कट लगाओगे आप लोग, मैं इरेज करके आपको दिखाता हूं, तो यही कट मेरा दोस्तों यहां पर इधर लगे ना, इस साइड में लगेगा, तो मैं दिखाता हूं आपको, ये कट जो है मेरा यहां पर इस साइड में बीच में लग जाएगा, तो बीच में मेरा कट तो लग ही जाएगा लग। और बाकी जो हमने पन्ना फोल्ड कर रखा है, तो दोस्तों अगर मेरा ये कट लगा है दोस्तों, तो हमारा इधर वाला डिजाइन भी तो जा रहा है, क्योंकि ये आपने इधर मोड़ा है, ये आपने इधर मोड़ा है, तो इस प्रकार आपका सही जवाब क्या होगा 45 क्वेश्चन का, चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। मैंने जितना समझाना था आपको समझा दिया। 47 क्वेश्चन की, अगर 45 क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोस्तों ये मेरा इस तरीके से आ जाएगा, और बाकी जो पेपर हमने फोल्ड किया था, तो ये वाला डिजाइन मेरा इस तरीके से बन जाएगा ऑप्शन ए में। सर क्या हुआ, सर डेली ऐसी क्लास कीजिए ना प्लीज, तो मैं डेली तो ऐसी कराता हूँ एकदम, बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपको पढ़ाता रहता हूँ बस। तो दोस्तों जिनका भी आंसर आया है ए, उनका ऐसा ही। बी वालों में दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये वाली चीज नहीं बनी तो ये गलत, इसमें सिंगल बना हो तो ये गलत, ओके। और ये वाला दोस्तों पहले से आपको गलत दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए दोस्तों कहाँ साइड में निकल रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर ये कितना बड़ा बना हुआ है, तो ये वाला भी गलत। तो सिंपल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए सर मुझे कम दिखता है, जूम कर दे। अच्छा आपको कम दिखता है, आप दिख रहा है यहाँ पर, तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ इसका सही जवाब क्या होगा। अरे कंप्यूटर मास्टर जरा जूम मार देना जरा, तो ये होगा इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। थोड़ा साफ दिखाइए, अरे कितना साफ देखोगे यहाँ पर, हटाओ भैया इसको। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपका, यहाँ पर ये होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दिख गया। चलिए अब दिख गया आपको, अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको बताइएगा आप लोग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए बताइए दोस्तों। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के सही प्रतिबिंब होगी, चलिए दोस्तों आप लोग बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है और नीचे आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आपको बताते हैं यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, इसको आप लोग यहां पर बताइएगा। देखिए तो दोस्तों ये वाली जो चीज आपकी, ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है ना, ये लाइन अगर ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है, ये लाइन अगर आपकी इधर जा रही है, तो शीशे में ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी। अब यहां 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 जा रही, ये गलत हो गया, इसमें ऐसी नहीं जा रही है। अच्छा ये वाला बॉक्स अगर आपका ऐसे बन रहा है, तो ये वाला बॉक्स आपका ऐसे बनेगा, तो मतलब दोस्तों यहां पर साफ हो गया, यहां पर आपका बॉक्स है, यहां पर आपका बॉक्स है, ये वाला गलत हो गया। फिर दोस्तों इसमें मेरा इस साइड में जो गेंद बॉल रखी हुई है, तो इसमें मेरी इस साइड में बॉल लग जाएगी, तो कुल मिलाकर अब मेरा सही जवाब क्या होगा, फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें ये चीज इधर आ रही है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो आपका यहां से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होगा आपका ऑप्शन डी वाला होगा, बिल्कुल राइट आंसर, समझ में आ गया आपको। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा, बिल्कुल राइट होगा। तो मुझे जिसके कमेंट दिख जाते हैं मैं उसका रिप्लाई दे देता हूं, कभी कभी बहुत स्पीड में कमेंट चल रहे होते हैं, बहुत ऊपर, मतलब मैं देखता हूँ एक नजर है वो कमेंट भाग गया जाता है, तुरंत तुरंत ऊपर भाग जाता है, तो इसलिए जो है आप लोग को अगर कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं आप लोग, अगर देखिएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए जीके आते हैं, जीके पर, आपके पेपर में जीके के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं ध्यान दीजिए। जी एन आई की फुल फॉर्म याद है आपको दोस्तों, जी एन आई की फुल फॉर्म क्या है, जी एन आई का मतलब है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम। तो जिनका भी आंसर यहां पर आ रहा है ग्रॉस नेशनल इनकम, वेरी गुड। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, छोटा कीजिए इसको थोड़ा।
निम्नलिखित में से कौन कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संस्था है? दोस्तों अब आपको क्या बताना है, और निम्नलिखित में से कौन कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संस्था है? नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक या फिर नाफेड? ठीक है ना, तो 52 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आइए आपको बताते हैं, जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है नाबार्ड। सर नीचे लाइन नहीं आई, अरे कौन सी लाइन नहीं आई दोस्तों, कौन सी लाइन नहीं आ रही नीचे? अच्छा ये बात अरे मेरे प्यारे दोस्तों कैसी बातें आप लोग करते हो, लाइन नहीं आई दोस्तों। अब देख लेना यहाँ पर, ये लाइन बन गई, यहाँ पर ये लाइन यहाँ बन गई, ये फोटो था ये कट गया दोस्तों नीचे से, ठीक है ना, ये फोटो थे तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये तो लाइन दिखने रही है, अरे लाइन नहीं आई तो लाइन आ जाएगी, आप क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना यानी कि रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? क्या आप जानते हैं यहां पर कि किसने जो है रोलिंग प्लान का सुझाव दिया? जॉन, डब्ल्यू मिलर, डीटी लकड़ावाला, गुन्नार मिल्डल या फिर सुखमय चक्रवर्ती? चलिए बताइए। तो 54 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए आपको बताते हैं, 54 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा गुन्नार मिल्डल। रोलिंग प्लान के बारे में आप लोग याद रखिएगा, रोलिंग प्लान की अगर हम बात करेंगे, रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था गुन्नार मिल्डल ने, ठीक है ना, गुन्नार मिल्डल ने। अब आगे आज का अगला क्वेश्चन देखिए, किसका नेट स्लो चल रहा है? अब 5G कनेक्शन चाहिए क्या आपको, सप्लाई चाहिए? देखिए देखिए, कनेक्शन करना मेरा काम नहीं है, जैसा नेटवर्क आपका आ रहा है वैसे काम करोगे आप लोग, ठीक है ना, रिचार्ज आपका है, कराना आपको ही पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ। हाँ, तेंदुलकर समिति, नाम तो आपने सुना ही होगा, तेंदुलकर समिति का जो गठन है ये किस लिए किया गया था? एक मिनट, एक कमेंट और आ रहा है, सर आप मेरी बात का आंसर नहीं दे रहे हो, सर पीडीएफ फाइल कहाँ से मिलेगी? अच्छा, मैंने कितनी बार आपको बताया कि पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी, जरा बताना कोई, पीडीएफ फाइल भैया कहाँ मिलती है? पीडीएफ फाइल मिलती है टेलीग्राम पर, कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर। कहाँ मिलेगी? पीडीएफ फाइल मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम है बीएसए ट्रिकी क्लासेस। तो पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी बीएसए ट्रिकी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पर, और टिक के साथ मिलेगी, मैं टिक लगा कर दूंगा, जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा एज इट इज पीडीएफ फाइल में। अब खुश आप लोग? चलिए, तो मैं बात कर रहा 55 क्वेश्चन की, तो आपका सही जवाब होगा गरीबी को मापने के लिए, गरीबी को मापने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? दोस्तों अब आपको क्या बताना है, संघीय सरकार की शाखा नहीं है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या फिर मीडिया, ठीक है ना तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा, 56 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीडिया। सॉरी दोस्तों, तो जिनका भी आंसर आ रहा है मीडिया होगा बिल्कुल आपका सही जवाब। टेलीग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम नहीं कर रहा हूं मैं, टेलीग्राम बोल रहा हूं, ठीक है ना। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दल बदल, दल बदल से क्या अभिप्राय है? दल बदल से आपका क्या अभिप्राय? देखिए दोस्तों होता क्या है, जिसका पलड़ा भारी होता ना लोग वहीं चले जाते हैं, दल बदलू लोग होते ना, कुछ लोग दल बदल लेते हैं। तो 57 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना। तो इसका मतलब क्या होता है, दल बदल का मतलब आपको दिया गया है कि भैया जो जीत गया हम तुम्हारे साथ हैं तो दोस्तों जिनका भी आंसर आ रहा पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजातंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, ये निम्नलिखित में से किसने कहा था? दोस्तों प्रजातंत्र, प्रजातंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, ये किसने कहा? यू नो एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तो बिल्कुल आपने सही बताया, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? लिंकन जी ने यहां पर कहा था, अब्राहम लिंकन। अच्छा, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, संविधान के कितने भाग हैं? दोस्तों भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? यू नो जानते हो आप लोग सही जवाब क्या होगा? अच्छा देखिए, पहले संविधान में 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में करीब संविधान के 25 भाग हैं, 25। हमारे संविधान के कितने भाग हैं? 25 भाग हैं, इसको बिल्कुल आप लोग रट्टा मान लीजिए। आज का अगला क्वेश्चन,
धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? दोस्तों आपको यहां पर क्या बताना है, धन विधेयक सबसे पहले, अगर आपका जो धन विधेयक है ये सबसे पहले संसद के किस सदन में प्रस्तावित होता है? केवल लोकसभा में पहले, केवल राज्यसभा में, या फिर दोनों में? ना तो लोकसभा में ना तो राज्यसभा में। देखिए होता क्या है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। यदि विधेयक के धन विधेयक होने या ना होने के संदर्भ में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा, जो डिसीजन लेगा, वही लास्ट डिसीजन होगा, ठीक है ना? तो ऐसे में आपका सही जवाब होगा केवल लोकसभा में। कहां पर? केवल लोकसभा में। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। दोस्तों कोई भारत में रहकर परेशान हो गया है क्या? आइए आपको बताते हैं, निम्नलिखित में से किन तरीकों से भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? अब तक मैंने आपको पढ़ाया कि किन तरीके, कितने तरीके हैं जिन तरीकों से हम भारत की नागरिकता को ले सकते हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको दोस्तों बताया था कि पांच तरीके हैं जिनसे हम भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कितने ऐसे तरीके हैं आप लोग के पास जिससे आप भारत की नागरिकता को गवा सकते हैं। तरीका नंबर एक, केवल एक तरीका, केवल दो, केवल तीन, या फिर चार? सुनिए, नागरिकता अधिनियम 1995 संविधान के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त नागरिकता को गवाने के तीन विधियों की व्याख्या की गई है। तीन तरीके हैं दोस्तों जिसके द्वारा भारत के नागरिक नहीं रहोगे। तो पहला तरीका आपका है परित्याग, पहला तरीका आपका है परित्याग है। दूसरा तरीका आपका है अवसान, दूसरा तरीका आपके पास है अवसान, और तीसरा तरीका आपके पास है वंचन। ये तीन तरीके हैं जिनके द्वारा आप भारत की नागरिकता को गवा सकते हो, और पांच तरीके आपके पास हैं। तो आई लव इंडिया, तो यहां पर आपको बता दें पांच तरीके हमारे पास हैं जिसके द्वारा हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन तीन तरीके से आपको यहां से हटा भी दिया जाएगा, भैया तुम भारत के नागरिक नहीं रहोगे, ठीक है ना? चलिए अब मेरे प्यारे मित्र आपको ले चलते हैं आगे। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? दोस्तों आप एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के, तो आपकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, या फिर राज्यपाल? देखिए अगर आप प्रधानमंत्री बनते हो तो ऐसे में आपकी नियुक्ति कौन करेगा? तो आपको बताते हैं, नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति जो है आपकी नियुक्ति करेंगे अगर आप प्रधानमंत्री बनते हो तो। अब बढ़ेंगे आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, कुछ भी पढ़िए, हर क्वेश्चन को अपने ऊपर लेकर देखेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे? दोस्तों कौन थे, ये खोज निकाली इन्होंने, ढूंढ निकाला यहां पर, ठीक है ना, ढूंढ निकाला सिंधु घाटी सभ्यता को, ये कौन महान व्यक्ति है? अरे इनका नाम बता दीजिए, कोई तो बताइए, कोई तो बोलो, सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? देखिए अगर हम 64 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे, वेरी गुड क्लास। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1911 में। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए, जो आपका धौलावीर है मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए पॉपुलर है जगह। अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अरे कौन थे आपके आर्य समाज के संस्थापक? कुल शंकर, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर? देखिए आर्य समाज के संस्थापक थे आपके कौन? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 7 अप्रैल 1875 को बंबई में की गई, और दयानंद एक धार्मिक हिंदू नेता और वैदिक विद्या तथा संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे, पता है आपको। और इन्होंने जो है 1876 में इंडिया फॉर इंडिया के रूप में स्वराज के लिए आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना? तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही है, इसको बताइए।
तो दोस्तों 23.5 डिग्री की अगर हम बात करेंगे दक्षिण मकर रेखा, मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर स्थित है और ये अक्षांश व्रत है। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा बी होगा बिल्कुल आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे ज्यादा है बताइए। मृत सागर, ओके, मृत सागर यानी कि डेड सी। अब आप लोग बताइए, चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी होती है फास्ट मूविंग, एट स्टीप स्लोप, एट वेरी लो ग्रेडियंट या फिर एट नियर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो चलिए दोस्तों बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा बहुत कम ढलान पर। चापाकार झील की रचना आपकी तब होती है, ठीक है ना, जब नदी बहुत कम ढलान पर होती है, तो ऐसे में आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कैप कैमोरिन किस देश में स्थित है, भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका बताइए। अरे ये क्या हो रहा है बताइए दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा देखिए, कैम कैमरून का नाम आपने सुना होगा और ये जो आपका भारत में ही हमारे प्यारे देश भारत में है, भारत के तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी में। तो भारत के तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को कैप कैमरून के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी को जो है कैप कैमरून भी कहा जाता है और ये भारत में ही है। तो जिनका भी आंसर यहां पर भारत आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस है। दोस्तों क्या आप लोग यहां पर जानते हैं कौन सी एक आपकी हरित गृह गैस है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको आप लोग यहां पर बताइए। ऑप्शन आपके नीचे हैं आपका दोस्तों, यहां पर ऑप्शन पता है क्या दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर कोई नहीं। तो 73 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, ग्रीन हाउस गैसें वह हैं जो पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य श्रेणी की अवरक्त विकिरण को उत्सर्जित करते हैं और उनको एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि आपका जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फिलहाल तो यहां पर आपको दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो केवल सेकंड। तो जिनका भी आंसर यहां पर आ रहा है केवल सेकंड बिल्कुल राइट यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी दोस्तों अगर हम बात करेंगे, इसमें आपका मीथेन भी आ रहा है, क्या रहा आपका मीथेन भी आ रहा है, तो इसमें आप लोगों को यहां पर क्या आ जाएगा, पहला वाला भी आ रहा है, पहला वाला भी आ रहा है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड है ना कि दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसका नाम आपका नहीं दिया गया। तो आपका पहला वाला और दूसरे वाले का नाम दिया गया है, तो ए और बी आ रहा है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है, ठीक है ना। तो अब आप लोग यहां पर बताइए आपका सही जवाब क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है, सूत्र कणिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या फिर आपका हो जाएगा रिक्तिका। देखिए आपको यहां पर बता दें सर, आप 73 का आपने रॉन्ग बता दिया, 73 क्वेश्चन वाला रॉन्ग बताया। देखिए 73 क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया पूरी डिटेल के साथ, 73 क्वेश्चन का जो आपका यहां पर राइट आंसर जो दिया गया है वो दिया गया पहला और दूसरा। मैंने क्या गलत बताया आप लोग बताइए, मैंने आपको क्या बताया, इसमें जो आपका आएगा आंसर केवल पहला और दूसरा वाला राइट होगा, जबकि तीसरा वाला नहीं आएगा। तो इसमें बताइए कुछ मैंने गलत बोला, अगर गलत बोला हो तो कमेंट करके आप लोग फिर से बताएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको अब भी गलत लगता है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से उसको डिफाइन करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है, सूत्र कणिका, कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन या फिर रिक्तिका। ओके, 74 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अपशिष्ट अंग है। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कौन सा मानव शरीर का एक अपशिष्ट अंग है, अकल की दाढ़, तिल्ली, गलग्रंथि या फिर पित्ताशय हो जाएगा। हाँ, CH4 होता है, मेथेन होती है। तो दोस्तों 75 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा अकल की दाढ़, ये एक आपका अपशिष्ट अंग यहां पर दिया गया है, ठीक है ना।
तो अकल की दाढ़ जो है आवश्यकता इसकी जो अस्तित्वहीन हो गई है। तो ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भोजन के अत्यधिक मुलायम होने के कारण जो पहले अकल की दाढ़ आती थी अब वो अस्तित्वहीन हो गई है। तो किसी किसी की अब ये नहीं होती है, अब ये नहीं निकलती है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने दांत को गिनकर बताएगा कि कितने हैं, 32 या फिर 28, ठीक है ना। तो जिसके पास 32 है उनके पास ये होगी और जिनके पास 28 है उनके पास ये नहीं होगी। अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग यहां पर बताइए। कंप्यूटर, आज हम कंप्यूटर में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं और इस बार 10 में से 10 का टारगेट पूरा करेंगे आप लोग सिर्फ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, इसको बताइए। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर या फिर माइक्रो प्रोसेसर, चलिए इसको बताइए। देखिए 131 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, गिनकर बताइए दोस्तों कितने आपके टीथ हैं, ठीक है ना। तो 31 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो दोस्तों अच्छा अकल ही नहीं है तो दाढ़ कहां से आएगी, कोई बात नहीं, यहां पर अकल तो बहुत है आपके अंदर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 28 है सर, हाँ। तो जिनके पास 28 है ना तो उनके पास अकल की दाढ़ नहीं है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद आपका जो है पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, तो यह है माइक्रो प्रोसेसर। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पेंटियम शब्द किससे रिलेटेड है। देखिए पेंटियम P1 P2 P3, ठीक है ना, पेंटियम प्रोसेसर, तो ये माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है। तो जिनका भी आंसर यहां पर आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, नेट रुक गया, अच्छा अब चलने लगा, यहां पर चल रहा है आपका, हेलो एवरीवन, आवाज क्लियर आ रही है आपको। अब आपको यहां पर बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी नहीं है, साइबर स्पेस, अपलोड, ऑप्टिकल स्टोरेज या फिर आपका हो जाएगा मॉडेम। तो 33 क्वेश्चन का आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल स्टोरेज। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां पर आ रहा है ऑप्टिकल स्टोरेज, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे, इसको बताएगा कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, आईवीएम चिप्स। देखिए 34 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा क्वांटम कंप्यूटर। यू नो क्वांटम कंप्यूटर वुड बी द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इनिशिएटिंग ब्रेन वर्किंग। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां पर आ रहा है क्वांटम कंप्यूटर, बिल्कुल राइट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन में। ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको दिए गए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप लोग बताइए दोस्तों कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आप, आवाज नहीं आ रही यहां पर, जूम करना है, हेलो एवरीवन, सभी को आवाज क्लियर आ रही है। देखिए सच बताइए यहां पर आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। कंप्यूटर लिटरेसी डे ये कब मनाया जाता है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कम से कम हमें ये तो मालूम होना चाहिए दोस्तों, आखिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 अगस्त, 2 दिसंबर, 5 जून, 24 अक्टूबर, हाँ मैं बोलता बहुत हूं। 35 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 2 दिसंबर, बिल्कुल राइट होगा, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर लिटरेसी डे। बाकी आपका 16 अगस्त पांडिचेरी विलय दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस और 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, ठीक है ना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए चीन के द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों, क्या आप लोग यहां पर जानते हैं, ओके धन्यवाद बताने के लिए आपका। अब आप सभी को बताना है कि चीन के द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है, जीएनए 2, जीएनए 3, ठीक है ना सर, फिर आपको यहां पर दिया TNA 2, TNA 3, बहुत ही अजीब नाम आपको दिया गया है, लेकिन क्या करें इसको याद रखना पड़ेगा आपको। 37 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका TNA 2। तो दोस्तों TNA 2 का निर्माण चीन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ
डिफेंस टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है और ये दुनिया का सबसे तेज गति से काम करने वाला एक सुपर कंप्यूटर है। और आपको एक बात और बताते हैं, इसकी गणना क्षमता कितनी है, इसकी गणना क्षमता है 33.86 पेटाफ्लॉप प्रति सेकंड। और ये दुनिया का वर्तमान समय में सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर समिट है जिसका विकास अमेरिका ने किया है। खैर आपका सही जवाब हो जाएगा यहां से टियान्ने, क्या नाम है यहां पर, टियान्ने टू। चलिए अब पढ़ते हैं आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए और आप लोग मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, बाई टू के कंप्यूटर, गठिया, यूरिकम, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, परम 10,000, पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल, अरे जी क्या दे रखा है यहां पर, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, गलती कहां पर इसको ढूंढिए। देखिए परम 10,000 आप लोग यहां पर जानते हैं, परम 10,000 के बारे में तो आपको बता दें, परम 10,000 कंप्यूटर है ना कि कोई मिसाइल, ये क्या है, कंप्यूटर है ना कि कोई मिसाइल है। तो गलती कहां मिली आपको, डी वाले मिले यहां पर, ठीक है ना। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने परम को मिसाइल बना दिया, ठीक है ना, तो परम होगा इसका जो परम सत्य आंसर होगा आपका ये होगा परम 10,000, तो ये एक मिसाइल नहीं है, कंप्यूटर है, गलती मिली आपको। चलिए ड्रैगन फ्लाई एक मशीन का नाम है जो खींचकर निकालती है, क्या खींचकर निकालती है इसको बताइए, ड्रैगन फ्लाई एक मशीन का नाम है जो खींचकर निकालती है क्या, पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता को, मोटर वाहनों के रेंजन के प्रयोग योग्य जल कार्बन को, खली से खाद तेल को, या फिर वस्त्र उद्योग में प्रयोग हेतु लकड़ी के रेशे को। तो ये जो आपकी ड्रैगन फ्लाई है ये किसको खींच कर निकालती है, देखिए 39 क्वेश्चन के क्रम बात करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो ये क्या करता है, पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता को खींचकर निकालती है, तो मॉइस्चर फ्रॉम द एयर टू प्रोड्यूस ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग यहां पर बताएंगे। देखिए दोस्तों निम्नांकित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है, ठीक है ना, तो चलिए आप लोग यहां पर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी, लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड, पिनाका, तो क्या होगा आपका राइट आंसर, चलिए बताइए आप लोग। देखिए 40 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, सर बारिश आ गई हमारे यहाँ, ठीक है अच्छी बात है, तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिनाका। ये पिनाका दोस्तों बीच में ले आए ये लोग, सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड आपका लॉगिन है, मॉडेम है, पासवर्ड है, फिंगर है, ईमेल है, जबकि पिनाका क्या है, यू नो एवरीवन पिनाका क्या है, पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, पिनाका क्या है, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। चलिए दोस्तों कंप्यूटर की बात करेंगे, आप जो अगला सेशन आने वाला है जानदार और शानदार, इसका नाम है दोस्तों जीरो से हीरो। तो दोस्तों यहां पर जो भी मेरे हीरो और हीरोइंस हो आ जाओ जल्दी से फटाफट, क्योंकि आज हम मैथ के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो 1/n बराबर क्या है, यू नो एवरीवन 1/n इक्वल टू √6 + √5 / √6 - √5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n का मान क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखिए पता करना है क्या है, आपको क्या दिया गया, आपको यहां पर देख लीजिए यहां पर क्या दिया गया है, 1/n दे रखा है आपको √6 + √5 दे रखा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, और आपको दिया गया √6 - का आपको √5 दे रखा है, तो 1/n दे रखा है आपको निकालना क्या, एन का मान निकालना है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, n/1 कर देंगे, n/1 कर देंगे, तो हमारा देखिए √6 - √5 ऊपर आ जाएगा और ये प्लस वाला नीचे आ जाएगा √6 + √5, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1/n था, इसको मैंने क्या करा, 1/n को मैंने क्या कर दिया, n/1 कर दिया, अब क्या करेंगे कॉन्जिक्यूटिव, अब हम दोस्तों क्या करेंगे कॉन्जिक्यूटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मैं क्या करने वाला हूं √6 - √5 से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया और √6 - √5 से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, अब मेरा क्या बन जाएगा, देखिए a + b a - b नीचे बन गया, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब मैं आपको समझाता हूं, देखिए √6 - √5 का होल ऑफ स्क्वायर,
देखिए मैंने नवीन अवतार सिंह भैया खुश हो गए यहाँ पर। और ऐसे दोस्तों आप लोग खुश रहिए हमेशा, और बस ऐसी खुशी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर तो 6 आ जाएगा, बी स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 6 बी स्क्वायर 5 माइनस का 2ab 2 रूट 6 इंटू रूट 5। तो क्या बचा भैया आपका 6 5 11। नहीं अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, अभी तो कामयाबी के लक्ष्य तक पहुंचना है, ठीक है ना। पेन कॉपी ने तो लेकर बैठा करो, 6 5 11 पेन कॉपी भी दिलवाएंगे क्या आपके। देखिए आपको यहां पर क्या दिया गया, 6 5 11 माइनस का 2 6 5 30। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 माइनस का 2 रूट 30 आ रहा है, जो कि आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है ना, ऑप्शन वाले आपके सी वाले में। तो 11 माइनस का 2 रूट 30, तो जिनका भी आंसर बिल्कुल आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको यहां बताना है 69 प्लस का 28 रूट 5, तो इसका धनात्मक वर्गमूल का मान क्या होगा इसको बताइए। देखिए कैसे लगाएंगे, आपको क्या करना है वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो हमें जो भी करना है हमें इसी में से करना है दोस्तों, क्या करना है देखिए, हमें पता ये जो चीज है मेरी 2ab लिखी है 2ab, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 28 14 28 और रूट 5 लिख लेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं यहां पर 14 5, इस तरीके से मैं कुछ भी करके कर सकता हूं, इसको जुगाड़ बना सकता हूं। अब मेरा ऑप्शन दे रखा है यहां पर 7 दिया गया है और 2√5 दे रखा है, यहां भी 7 है और 2√5 है। अब मैं दोस्तों क्या करूंगा, यहां पर ये मेरा 2 लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखा 14 को मैं लिखूंगा 7, ठीक है ना, 7 14 7, ये आ जाएगा 2√5 आ जाएगा, तो 2√5 लिख लिया। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, 69 को दोस्तों मैं क्या लिखूंगा यहां पर, ध्यान से बिल्कुल अब समझिएगा, 7 का स्क्वायर प्लस का 2√5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 2 × 7 × 2√5। कोई दिक्कत है यहां पर, तो आपका सही जवाब क्या होगा इसको देखिए, तो आपका ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस का बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 2ab, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये आपका 2ab, तो क्या बन जाएगा आपका ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो मेरा आ जाएगा 7 प्लस का 2√5 इसका स्क्वायर आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें निकालना है वर्गमूल, तो हमें निकालना वर्गमूल, तो वर्गमूल कर लीजिए इसका, वर्गमूल से आपका ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 प्लस का 2√5। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां पर आ रहा है 7 प्लस का 2√5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, और ऐसे में मेरे प्यारे मित्रों जिनका भी आंसर आ रहा है 7 प्लस का 2√5 बिल्कुल राइट होगा आपका सही जवाब। आप ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। आज का अगला क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है, देखिए समझिए, आपको क्या दिया गया 69 दिया गया था, 69 को मैंने क्या किया, 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49 होगा ना, और 2√5 का स्क्वायर, √5 का 5, 2 × 4 = 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब आपका 69 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 69 को मैंने इस तरीके से तोड़ दिया, मैंने लिखा 7 का स्क्वायर प्लस का 2√5 का स्क्वायर प्लस का 2 × 7 × 2√5, और ये आपका बन जाएगा 7 प्लस का 2√5 का स्क्वायर। हमें रूट निकालना, तो मैंने रूट निकाल दिया। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 14, ठीक है ना, तो ये किससे डिवाइड होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या, देखिए अब आपको बताते हैं यहां से आपका लॉजिक क्या हो जाएगा। 3 की पावर 11 तो 3 की पावर 11 को मैंने यहां पर कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा आपका, यहां पर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 बचा, यहां पर 12 था, 1 3 रह गया, छूट गया यहां पर, यहां 3 की पावर 2 और यहां पर 3 की पावर 3 हो गया, ठीक है ना। अब आप लोग यहां पर क्या करोगे, देखिए तो आपको यहां पर क्या दिया गया है,
तीन की पावर 11 को कॉमन लिया शांति से, बचेगा आपके यहां पर एक, यहां बचा तीन की पावर एक, तीन की पावर दो, तीन की पावर तीन, जब अंदर भेजो फिर से भैया आ जाएगा। तो एक का मतलब एक, तीन का मतलब तीन, तीन का दो का मतलब नौ, और ये 27 हो जाएगा। तो इनको आप लोग जोड़ लीजिए, तीन 27 तीन आपका कितना हो जाएगा 30, नौ 10 40 हो जाएगा। तो मेरा यहां से कुल मिलाकर कितना आ गया, तीन की पावर 11 × 40। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, क्या ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 40 फैक्टर में आ ही नहीं रहा, 11 से नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा सिर्फ आपका 8 से, क्योंकि 8 × 5 = 40 होता है, तो 8 से कट जाएगा। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो आपका डिवाइड होगा यहां पर 8 से हो जाएगा। तो क्लास में जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है 8 होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग बताइए, 508 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग हमारा एक पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब समझते हैं आप लोग, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों 508 से छोटा पूर्ण वर्ग बताइए और इससे बड़ा वाला पूर्ण वर्ग बताइए, तो आपका यहां से सही जवाब क्या होगा। देखिए इससे छोटा जो पूर्ण वर्ग होता है तो ये आपका होता है 484, इससे छोटा वाला आपका होता है 484, और इससे बड़ा वाला कौन है, तो इससे बड़ा वाला आपका है 500, बताइए दोस्तों 529 है, ओके ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये 22 का स्क्वायर है और ये वाला आपका 23 का स्क्वायर है, तो किसको बनाना आसान होगा, क्या चीज मैं जोड़ दूं इसमें, तो 508 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा 529 बन जाए, तभी तो मेरा एक पूर्ण वर्ग बन पाएगा। तो 508 में अगर हम जोड़ दें 21 तो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देख लीजिए, 8 और 1 9, 2 और 0 2, और 529 बन जाएगा। तो अगर हम इसमें जो है 21 को ऐड कराते तब मेरा 529 बन जाएगा, जो कि 23 का एक पूर्ण वर्ग है। तो जिनका भी आंसर यहां पर आ रहा है ऑप्शन डी होगा बिल्कुल आपका सही जवाब, क्या बात है, बिल्कुल सभी लोगों ने सही बताया है। चलिए ये तो कुछ भी नहीं था, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए। देखिए जो समझना है आप लोग समझ लीजिए, यहां पर जिसमें आपको खुशी मिलेगी वही चीज समझ लीजिए, ठीक है ना। आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। रमन अवन से 25% ज्यादा कार्य कुशल है, तो दोस्तों आपको यहां पर क्या दिया गया है, रमन जो है आपका अमन से 25% ज्यादा कार्य कुशल है। यदि अमन एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है तो रमन उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, चलिए इसको ट्राई कीजिए, ठीक है ना। देखिए अब आपको समझाते हैं यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कल तक आप लोगों में दादाजी बना दोगे, तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे रमन की, एक आपका रमन है, ये आपका अमन दिया गया है, ठीक है ना। तो रमन जो है अमन से 25% ज्यादा कार्य कुशल है, किससे, अमन से। अगर अमन 100 हो जाएगा तो रमन 125 हो जाएगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों 25 × 125 = 100, ठीक है ना। अब आपको यहां पर क्या दिया गया, अमन एक काम को 25 दिन में कर लेता है, अमन जो है एक काम को आपका 25 दिन में कर लेता है, कौन कर लेता है, अमन। तो अमन की क्षमता से मल्टीप्लाई कर देंगे, करना है किसको है, रमन को करना है, तो रमन से डिवाइड कर देंगे, तो 25 × 25 = 20, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर रमन जो है इसका अगर अकेले काम करेगा तो अकेले काम करने में जो उसको जो है सिर्फ 20 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों इसको बिल्कुल याद रखिएगा, यहां पर इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, तो 6th क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग यहां पर बताइए। देखिए अब ध्यान दीजिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है, अगर 10% का डिस्काउंट दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सी बात है, आप लगाइए सक्सेसिव मेथड, तो ये 40 ज्यादा है और हम दे रहे हैं 10% डिस्काउंट, तो क्या होगा इसका सही जवाब बताइए आप लोग। देखिए 40 ज्यादा है तो मैंने प्लस का 40 लिया, 10 का डिस्काउंट है 10 का डिस्काउंट दे दिया, प्लस माइनस माइनस 40 × 10/100, 40 में से 10 गया 30 बचा, 0 से 0 काट दिया 0 0 काट दिया 4 बचा, 4 × 4 तो 30 में से 4 गया तो 26 आ जाएगा, ओके। तो जिनका भी आंसर 26 आ रहा बिल्कुल राइट है, बाकी लोग इसमें क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड को जो है अप्लाई करेंगे। चलिए आप ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है,
देखिए दोस्तों, इसको लगाने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है सक्सेसिव मेथड, और मुझे लगता है कि इससे भी आसान कुछ होगा। फिर तो आप लोग 100 मानकर लगाइए कि क्रय मूल्य 100 हो जाएगा, अंकित मूल्य 140 हो जाएगा, 10% डिस्काउंट देंगे तो 126 में बिकेगा, तो मतलब 26% का हमें लाभ मिल जाएगा। या तो तरीका ये है या एक तरीका आपके पास ये है सबसे बेस्ट वाला। अब आगे बढ़िए, अब 3 डिस्काउंट आपको दे रखे हैं, 10%, 20% और 30%। लगाएंगे तो हम लोग यहां पर भी सक्सेसिव मेथड, लेकिन मैंने जो आपको बताया था सक्सेसिव मेथड में केवल वो 2 लोगों में ही अप्लाई होता है, 2 चीजों में। तो पहले आप इन दोनों पर अप्लाई कीजिए, इसके बाद जो भी है वो फिर आप इस पे अप्लाई कीजिएगा। देखिए तो 3 डिस्काउंट आपको दे रखे, तो माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस, 10 × 20 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 0 उड़ा दिया, 0 0 उड़ा दिया, 10 और 20 माइनस का 30 हो जाएगा, 2 × 2 प्लस का 2 आ गया, माइनस का 28 हो गया। तो ये वाला मेरा डिस्काउंट आ गया 28% आ गया, और ये 30 आपको और दे रखा है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 28, माइनस का 30, प्लस माइनस 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 प्लस, 28 × 30/100। इसको सॉल्व करके जो भी आपका आएगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको ट्राई कीजिए और बताइए कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। 0 से 0 आप लोग कैंसिल कर दीजिए, आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, माइनस माइनस में क्या करते हैं ऐड करा देते हैं, 8 × 3 = 5, माइनस का 58 आ जाएगा, प्लस 28 के 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 × 8 = 24, ओके ना, 3 × 2 = 6, 7 = 8, 8.4 हो गया। आप इसको माइनस कीजिए और यहाँ से बताइए कि 9th क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, 49.6। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा माइनस का 49.6%। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 49.6%, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया इतनी बात, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलिए क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहाँ पर, समझ में आ रहा है, चार्जिंग लगा कर देख लो जिसकी बैटरी डाउन होने वाली है, और बताइए यहाँ पर क्या क्या समस्या चल रही है। चलिए सर का नाम चलता है, अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, 2 संख्याओं का जो अनुपात आपको दे रखा है 3:5 है, ओके ना। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको मैथ की जब क्लास करवाएंगे आपको टॉपिक वाइज वाली, तब मैं जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 संख्याओं का जो अनुपात है ये है 3:5 है, यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो मेरा अनुपात 13:19 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, आइए आपको समझाते हैं। पहले जो संख्या थी मेरी 3:5 में थी, आज जब मैंने इसमें 8 को जोड़ा तब मेरा अनुपात कितना हो गया, 13:19 हो गया। अच्छा दोस्तों इसको देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3, 2, 5, इन दोनों के बीच का देखिए आप लोग 6, 3, 9, 6 आ रहा है, एक तरफ 2 आदमी और एक तरफ 6 आदमी, ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए, इधर अगर 6 है तो इधर भी 6 बनाइए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब सही है, 9 × 6 = 15, 13 × 6 = 19, अब बात सही है, अब बात बराबर है, बराबर बराबर का चलेगा। अब दोस्तों 13 में से आप लोग 19 का डिफरेंस कीजिए, चाहे 19 में से 15 का कीजिए, आपका बचेगा कितना, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4x, और संख्या आपको पहले भी रखी 8 के बराबर है, तो 4 × 8 = x = आपका 2 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, योगफल निकालना है, तो 9 और 15 कितना हो जाएगा, 24x आ जाएगा, और x बराबर 2 है तो 24 × 48, बस। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां पर 48 आ रहा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने है, इसको बताइए। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब आपको बता रहे हैं कि आपका सही जवाब क्या होगा, 3a = आपको दिया गया है 5b, बस 5 मिनट के बाद क्लास आपकी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है ना। तो 3a = 5b है, तो a + b / b का मान कितना होगा, 3a = 5b, तो a / b लिखेंगे बराबर 5/3, तो 3 को मैंने नीचे भेज दिया, ये मेरा आ गया, तो a का मान 5 है, b का मान 3 है, b का मान 3 है, तो 5 × 3 = 8, और b का मान 3, तो सही जवाब हो जाएगा 8/3। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ पर 8/3 आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा 8/3, वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रथम 29 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, पहली 29
ठीक है ना। पहली 29 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा इसको बताएगा। देखिए 29 सम संख्याओं का एवरेज अगर आपको निकालना है तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए, प्रथम एन सम संख्याओं का, प्रथम एन सम संख्याओं का जो एवरेज का फॉर्मूला होता है आपका ये क्या होता है। तो 12th क्वेश्चन की बात करेंगे, एन प्लस वन, बस खेल खत्म इस क्वेश्चन का, क्योंकि एन की वैल्यू आपको दे रखी है 29 है और हमारा सही जवाब क्या होगा 29 में एक जोड़ेंगे और एक सेकंड लगेगा केवल आपको जवाब देने में 30 बस, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग यहां से आगे, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों चलिए आपको बताना है आपका सही जवाब क्या होगा। अच्छा मैथ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, मैथ में आप लोग बिल्कुल जीरो हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, समझने का प्रयास कीजिए, आपको भी समझ में आएगा। अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, पांच क्रमागत विषम संख्या को जो एवरेज है वो 27 है। दोस्तों बात क्या चल रही है यहां पर, पांच क्रमागत वो भी विषम वाली संख्या को जो एवरेज वो 27 है। पांच संख्या आपकी, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, इनका एवरेज 27 है। तो एवरेज वाले को मैंने बीच में रख दिया उठाकर, 27 रख दिया, 27, 28, 29, 30, 31, 27 से पहले क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा और इधर आपका 23 आ जाएगा। अब सही है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी पांचों संख्या मैंने यहां पर लिख ली, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो ये मेरी पांच संख्याएं हैं जिनका एवरेज मेरा 27 होगा। अब पहली संख्या, ये रही पहली संख्या, अंतिम संख्या, ये रहा मेरा लास्ट संख्या, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। देखिए दोस्तों यहां पर तीन और यहां पर एक, तीन एकम तीन, मेरा यूनिट डिजिट तीन किसमें आ रहा है, इसमें तीन है नहीं है, इसमें तीन है नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, तो बस दोस्तों मेरा राइट आंसर क्या होगा 713 हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर। सर बुक कौन सी ले दोस्तों, प्रीवियस ईयर की एसएससी की बुक ले लीजिएगा आप लोग यहां पर, तो ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसी से कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आपको दोस्तों एसएससी लेवल के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस पेपर में आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो पाए। तो क्लास उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।